हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज पे। यदि आप सारी जानकारी हिंदी में लाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ लुलिजी क्रीम, जिसकी हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। ये कौन सी कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, इसका क्या कंटेंट रहता है, किन किन कामों में उपयोग किया जाता है, कितना प्राइस रहता है, क्या साइड इफेक्ट रहता है और इसको कब लगाना चाहिए। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको संपूर्ण जानकारी हिंदी में चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। चलो लुलिजी क्रीम की सबसे पहले बात करते हैं इसके कंपनी के बारे में। इसको कौन सी कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, इसको ग्लैनमार्क कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जो कि बहुत अच्छा कंपनी है। अब बात करते हैं लुलिजी क्रीम के कंटेंट के बारे में, इसके अंदर कौन सा कंटेंट रहता है। कंटेंट के बारे में बात करें तो इसके अंदर लुलिकोनाजोल क्रीम 1% कंटेंट रहता है, जो कि एक एंटीफंगल के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा इसके कंपोजिशन में, जैसे कि लुलिकोनाज के अलावा इसमें अंदर कौन सा रहता है, लुलिकोनाज के अलावा इसमें रहता है लुलिकोनाजोल जो कि 1% रहता है, मेथिल प्रोबेन जो कि 0.2% रहता है, प्रोफिल प्रोबेन जो कि 0.02% रहता है और बेंजिल अल्कोहल जो कि 1% इसके अंदर उपस्थित रहता है और यह एक एंटीफंगल के रूप में कार्य करती है। अब चलो बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, इसका क्या प्राइस है। लुलिजी क्रीम का प्राइस देखें तो ये 10 ग्राम क्रीम रहता है और इसका 10 ग्राम का प्राइस जो कि 150 रुपये है, जो हर एक मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है और हमें आसानी से मिल सकती हैं। अब कार्य की बात करते हैं, इसको किन किन कार्यों में उपयोग लिया जाता है। इसके कार्य की बात करते हैं तो यदि आप दाद, खाज, खुजली, ये एक एंटीफंगल के रूप में कार्य करती हैं। यदि आपके शरीर पर भी कहीं पर भी दाद हो, खाज हो, खुजली हो, तब इस क्रीम का हम उपयोग कर सकते हैं। जब भी आप इस क्रीम का उपयोग करते हैं तो अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही उपयोग करें। अब चलो बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यानी कि इसका क्या डोज रहता है। इसके डोज के बारे में देखें तो इसका डोज मुख्यतः दिन में 2 बार बनता है, सुबह नहाने के बाद एक अच्छी तरह से, जहाँ पर भी आपको दांत, खाज, खुजली यानी कि एंटीफंगल हो तो वहाँ पर अच्छी तरह से कपड़े से साफ करके उसको एक पतली सी लेप के रूप में लगा दें और शाम को भी ऐसा ही करें, आप सोने से पहले इसको अच्छी तरह से धो करके लगा दें। और ये एक एंटीफंगल का बहुत अच्छा क्रीम है और बहुत ब्रांडेड कंपनी है। और इसके बात करते हैं कि साइड इफेक्ट के बारे में, यानी कि इसका क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसका मुख्यतः इतना साइड इफेक्ट देखने को तो मिलता है नहीं, और यदि साइड इफेक्ट देखने को भी मिलता है तो जहाँ पर भी आपको दाँत, खाज, खुजली है तो वहाँ पर आपके जो एक चमड़ी थोड़ी सी लाल होगी, जो कि एक नॉर्मल सा सामान्य सा साइड इफेक्ट है, जो कि 1-2 दिन में ही आपको ख़त्म हो जाएगा। चलो दोस्तों, इतना ही काफ़ी। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके।